फ्लेवर थर्ड पार्ट। नो वर्क इज इंफीरियर और सुपीरियर इन इटसेल्फ। कोई भी काम अपने आप में निम्न या श्रेष्ठ नहीं होता है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसीडर एनी वर्क एज हाई और लो। किसी भी काम को उच्च या नीच समझना सर्वथा गलत है। All work, especially physical work, is defined as labor. सभी काम, विशेष रूप से शारीरिक काम को श्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। People who do physical labor may not be as educated as them. लोग जो शारीरिक श्रम करते हैं, भले ही वे उनकी तरह पढ़े लिखे न हो, but they too do possess a lot of knowledge about their field of work. लेकिन उन्हें भी अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है। They work very hard to earn money and look after their families. वे पैसे कमाने के लिए और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। Most of these people try to educate their children and send them to good schools. इनमें से ज्यादातर लोग अपने बच्चों को शिक्षित और उन्हें अच्छे स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं, so that they can live a respectable life, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। The work itself is a dignity, काम ही गरिमा है। Dignity of labor is the respect we show for all kinds of jobs, without regarding any job superior or inferior. श्रम की गरिमा वह सम्मान है जो हम सभी प्रकार की नौकरियों के लिए दिखाते हैं, बिना किसी श्रेष्ठ या निम्न नौकरी के संबंध में। In his ashram, Mahatma Gandhi and the other inmates did all kinds of work with their own hands, sweeping, cleaning, washing or disposal of waste. अपने आश्रम में महात्मा गांधी और अन्य सहवासियों ने साफ सफाई, धुलाई और कचरे का निपटान और सभी प्रकार के काम अपने हाथों से किए। We should never be ashamed of the kind of work we do. हम जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। We should always respect and love our work and the work other people are doing. हमें हमेशा अपने काम और अन्य लोग जो काम करते हैं उनका सम्मान और प्यार करना चाहिए। Our work becomes undignified if it is done in a wrong way and by unfair means. गलत तरीके से और अनुचित तरीके से किए जाने पर कोई भी काम अशोभनीय हो जाता है। Similarly, our work becomes dignified if it is done loyally and by honest means. इसी तरह निष्ठा और ईमानदारी से किए जाने पर कोई भी काम शोभनीय हो जाता है। If you like my videos, so please like and subscribe my channel. Thank you.